दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की हार के बाद भड़क उठे भारत के महान खिलाड़ी। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी भड़क उठे। इस दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या ने भारत के तमाम खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार भारतीय टीम की हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरा मैच आज खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन 46.2 ओवर में ऑल आउट होकर बनाए थे और इसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 42.3 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया। और ऐसे में 8 विकेट से भारत की हार के बाद भारत के महान प्लेयर्स का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से ना तो किसी बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की और ना ही किसी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की, और दोनों विभाग का एक तरीके से खराब प्रदर्शन करना इस बात का संकेत है कि भारतीय टीम को इस समय काफी ज्यादा अनुभव की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय टीम के अंदर पहले मैच में जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है, जिसके चलते भारतीय टीम ने दूसरे मैच में दिक्कतों का सामना किया। मेरे अनुसार अब तीसरे मैच में भारतीय टीम एक ही कीमत पर जीत दर्ज कर सकती है, जिसके लिए सभी खिलाड़ियों को एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा और टीम को जीत दिलाना ही होगा। तो वहीं रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारत ने दूसरे मैच में काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। आज के मैच में भारत के खराब प्रदर्शन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में आसानी से जीत हासिल की हो। इस मैच में सुदर्शन और राहुल की बल्लेबाजी के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी अगर थोड़ा थोड़ा भी अच्छा प्रदर्शन करते तो शायद भारतीय टीम को 300 रनों तक पहुँचाने का मौका मिल जाता, लेकिन सभी खिलाड़ियों का एक साथ अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जिसके चलते भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब भारत को आगे आने वाले तीसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन किसी भी कीमत पर करना ही होगा। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने दूसरे मैच में काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। इस मैच में सुदर्शन और कप्तान केएल राहुल के अलावा कोई भी खिलाड़ी नहीं था जिसने अपनी जिम्मेदारी को समझा हो और अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि गेंदबाजों से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। अगर भारतीय टीम के गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार शुरुआत में भारत को सफलता दिलाते तो शायद भारतीय टीम को काफी फायदा मिल जाता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने खराब गेंदबाजी की है और इसी के चलते भारतीय टीम ठीक ठाक लक्ष्य को मुश्किल बनाने में असमर्थ रही, लेकिन अब अगले मैच में भारत को जीतने के लिए गेंद ही नहीं बल्ले से भी कमाल करना होगा। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा कि भारत ने दूसरे मैच में काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। इस मैच के अंदर ना तो भारत के बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली और ना ही हमारे गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, जो इस बात को दर्शाती है कि इस समय टीम के अंदर काफी अनुभव की कमी है। अगर केएल राहुल की जगह टीम में होता तो शायद हमारी टीम काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे होने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी मजबूत हो जाती, साथ में भारतीय टीम की गेंदबाजी और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। हम स्थिति से आसानी से मैच को अपने नाम कर लेते, लेकिन अब अंतिम मैच में भारत को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए, अन्यथा भारतीय टीम इस सीरीज को हार जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की इस मैच में हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, कमेंट में जरूर बताइए। जहां एक तरफ एबी डिविलियर्स का घमंड देखते ही बनता, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आसानी से हमारी टीम जीत जाएगी। हालांकि टीम इंडिया को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे घर में हमें पता है कि कैसे जीत हासिल करनी है। भारतीय टीम ने हमें कमजोर समझने की गलती की, यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। बहुत बहुत बधाई हो टीम, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सीरीज भी जीतेंगे और टीम इंडिया को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। ऑल द बेस्ट। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया दिग्गज रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि टीम इंडिया ये मुकाबला भी जीत सकती थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके बल्लेबाज अपने आप ही विकेट फेंक कर चले गए। भारतीय गेंदबाज भी विकेट हासिल कर सकते थे, लेकिन वो शुरू में दबाव ही नहीं बना पाए, इसलिए अफ्रीका ये मुकाबला जीत गया। कहीं ना कहीं भारत अपनी गलती से ये मैच हारा है। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
अब हमें आखिरी मुकाबले में एक जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जहां पॉन्टिंग एक जबरदस्त मैच के लिए उत्साहित है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर का कहना है कि टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीत सकती थी यदि कोई भी बल्लेबाजी टिककर प्रदर्शन करता। हमारी टीम की यह सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है कि सभी बल्लेबाज बारी बारी आउट हो जाते हैं। बीच में हमें एक मजबूत पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज क्लिक नहीं कर पाया। हम वही मैच हार गए थे। गेंदबाजों को आप 200 रन डिफेंड करने को नहीं कह सकते हैं, यह पॉसिबल ही नहीं रह गया। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से हम ये मैच हारे हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर तो बेहद नाराज आ रहे थे, तो वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि अफ्रीका टीम ने कमाल का खेल दिखाया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पिछला मुकाबला इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद इस तरीके से वापसी करना एक बेहतरीन टीम की निशानी है। टीम इंडिया ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही मजबूत मान लिया था, वहीं पर वो पीछे हो गए और अफ्रीका ने उन्हें हरा दिया। अब तो टीम इंडिया ये सीरीज भी हार सकती है, मुझे तो यही लगता है। तो वहीं अंत में महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। पहला वनडे मैच हम एक तरफा तरीके से जीते थे, ये मैच भी जीत सकते थे, बस हमें एक मजबूत पार्टनरशिप चाहिए थी जो नहीं मिल पाई। जीत और हार तो चलती रहती है, इसमें हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी तीसरा वनडे मैच बाकी है और हम उससे जीत कर सीरीज अपने नाम कर सकते हैं। हमें बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए, हमारे युवा खिलाड़ी जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों सच में हर किसी के अलग रिएक्शन है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफ्रीका को तीसरे वनडे मुकाबले में हराकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला सेंट गॉर्गी पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय खेल को खेलने का आमंत्रित दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साई सुदर्शन उतरे। गायकवाड़ ने मैदान पर उतरते बर्गर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर नांद्रे बर्गर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। उसके बाद मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। तिलक वर्मा बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। मगर तिलक वर्मा को अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना काफी दिक्कत हो रहा था। टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत का 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साई सुदर्शन बेहद आक्रामक और अंदाज में नजर आ रहे थे, वो टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारत के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन सुदर्शन अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था। केशव महाराज से लेकर बर्गर और हेंड्रिक्स तक हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की, और देखते ही देखते केएल राहुल और सुदर्शन ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीम के लिए 27वां ओवर फेंकने आए विलियमसन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और टीम इंडिया को 114 रनों पर बहुत बड़ा झटका लग गया। सुदर्शन टीम इंडिया के लिए 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी कप्तान केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आए। संजू सैमसन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और टीम इंडिया के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 136 रनों पर चौथा झटका लग गया। राहुल मैदान पर टिके हुए थे, वो धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, और देखते ही देखते रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। और केएल राहुल ने भी अपना शानदार और अर्धशतक पूरा कर लिया, मगर अर्धशतक लगाने के बाद ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। केएल राहुल भी टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 167 रनों पर पांचवा झटका लग गया। रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 17 रन बनाकर पवेलियन लौट कर भारतीय टीम को 169 रन के स्कोर पर छठवां झटका लग गया। भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम की बेहद खराब शुरुआत हुई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रहा था। अफ्रीकी गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से हावी थे। अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के लिए 3 विकेट झटक लिए। भारत के 6 बल्लेबाज 172 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक चुके थे। साउथ अफ्रीका टीम पहले मुकाबले में मिली हार का बदला निकालने के लिए जा रही थी, जी जान लगा रही थी, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। केशव महाराज ने अपने 39 में 14 ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और टीम इंडिया को 172 रनों पर 7वां बड़ा झटका लग गया। अफ्रीकी गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हर किसी को हैरान कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे। पूरी टीम इंडिया लड़खड़ा गई, जिसे देखकर हर कोई सदमे में आ गया। मैदान पर अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को काफी दिक्कत हो रही थी। इन दोनों की बल्लेबाजी और टीम इंडिया का स्कोर देखकर तो यही लग रहा था कि अफ्रीका के सामने भारतीय खिलाड़ी 190 से 200 रनों तक का लक्ष्य दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों
दोस्तों, अब आपको क्या लगता है साई सुदर्शन और केएल राहुल में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जहां एक तरफ आईपीएल के मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों की किस्मत चमकी, वहीं खिलाड़ी मालामाल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की युवा ब्रिगेड ने अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में जबरदस्त धमाल मचाया। जैकबरा के सेंट जॉर्ज पार्क में अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही है, ऋतुराज केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए तो तिलक वर्मा भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। बर्गर ने टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देकर हमें बैकफुट में धकेल दिया था, लेकिन टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर करना उनके बस की बात नहीं थी। साई सुदर्शन और केएल राहुल ने मिलकर 90 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बुनी। दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े, हालांकि 50 पूरा करते ही बारी बारी दोनों भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद अब रिंकू के बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार था।